वेलकम, ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर नीता मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज. आप लोगों का स्वागत है. फ्रेंड्स, हम लोग जो पेपर्स पढ़ रहे हैं वो है इंटरेक्शंस एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसका कोड है आपका BA-SC 73. ये पेपर है आपका हस्तक्षेपण एवं शिक्षण रणनीतियाँ फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन. आप सभी जानते हैं कि श्रवण विकलांग बच्चों के अगर हम जल्द से जल्द अर्ली इंटरवेंशन कर ले तो उनकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक उसको हम रिमूव कर पाएंगे. तो इस पेपर का जो पहला ब्लॉक है वो आप ही देखिए, इसमें लिखा हुआ है नीड्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ अर्ली इंटरवेंशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट. इसका जो पहला यूनिट था पेरेंट इंस्टेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड प्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हम मैंने पहले लेक्चर्स में दे दिया है कि कैसे जो अभिभावक और शिशु के लिए प्रोग्राम क्रिएट किया जाए तथा बच्चों को, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, उनको प्री स्कूल में एंट्री करने से पहले किस प्रकार से प्रिपेयर कर दिया जाए जिससे कि वो इंक्लूसिव सेटअप या मेन स्ट्रीम स्कूल में अपने को एडजस्ट कर सके और उस एजुकेशन को वो आसानी से गेनिंग कर सके. तो ये आप हमारे जो इससे पिछला लेक्चर है उसमें इस लेक्चर को आप देख सकते हैं. आज जो मेन हमारा जिस पे हम लोग फोकस करेंगे वो हमारा यूनिट टू है, वो है इंडिविजुअल स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, मीन्स व्यक्तिगत वाक् भाषा चिकित्सा. हम सभी जानते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है उसको जो प्रॉब्लम होती है वो सुनने और बोलने में. तो आज का जो हमारा यूनिट है वो उसी पे फोकस करेगा कि एक इंडिविजुअल बच्चे को हम किस प्रकार से भाषा या स्पीच को डेवलप कर सके. तो फ्रेंड्स, आते हैं, हम इस पे डिस्कशन करते हैं. फर्स्टली हम लोग ये जाने कि भाषा विकार या लैंग्वेज डिसऑर्डर होता क्या है. तो हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने विचार किसी की बात सुनते हैं उसके तो उसे हम समझते हैं, हम उसके अंडरस्टैंडिंग करते हैं. अंडरस्टैंडिंग करके सही शब्द प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम शब्दों का उच्चारण करते हैं. लेकिन जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती, जिससे वो शब्दों का तालमेल नहीं बना पाते और उसे प्रकट करने में या उसे एक्सप्रेस करने में उन्हें समस्या होती है. तो हम उस प्रकार की समस्या को भाषा विकार कहते हैं. ये भाषा विकार तीन प्रकार के होते हैं, जैसा आप इसमें देखिए, अधिग्रहण विकार या एक्विजिशन डिसऑर्डर, दूसरा अभिव्यक्ति विकार या एक्सप्रेशन डिसऑर्डर, और तीसरा आपका है संज्ञानात्मक संप्रेषणात्मक विकार, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. तो पहले हम लोग डिस्कस करें कि अधिग्रहण विकार या एक्विजिशन डिसऑर्डर्स होता क्या है, किसे हम कहेंगे कि बच्चे में अधिग्रहण विकार है. तो ये विकार उस बच्चे को होता है जिसको भाषा की समझ और उसका प्रक्रियाकरण से संबंधित होता है. जिन बच्चों में यह विकार होता है उनको सुनने में तथा मौखिक भाषा को समझने में समस्या होती है. ऐसे बच्चों को श्रवण सूचनाओं को प्रक्रियाकरण करना तथा उसको रिकॉलिंग करना, रिमेम्बर करना, इस सब में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन या कोई भी अनुदेशन दिया जाए तो वो उसे समझने में समस्या क्रिएट करते हैं. इन्हें आपस में पीयर ग्रुप से बात करने में भी समस्या होती है तथा किसी भी प्रश्नों को पूछने पे वो सही ढंग से ना समझ पाने के कारण उसे उत्तर भी नहीं दे पाते. और जहाँ पे काफ़ी शोरगुल वाला इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे वो भाषाओं में विभेद करना, मीन्स कौन सी साउंड है जिस पे मुझे जवाब देना है, किस साउंड को एक्सेप्ट करना है, उसको भी समझने में उन्हें समस्या उत्पन्न होती है. अगर ऐसे बच्चे हैं, अधिग्रहण भाषा विकार दोष से ग्रस्त बच्चे हैं, तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कौन से कैरेक्टर से कौन से लक्षण हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई करें कि इस बच्चे में ये समस्या उत्पन्न है. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए. श्रवण सूचनाओं या प्रक्रियाकरण याद रखने में उन्हें समस्या होती है, किसी भी आदेश ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो नहीं कर पाते, कोई भी प्रश्न पूछने पे उन्हें समस्या क्रिएट होती है. गैर भाषाई ध्वनि, मीन्स जो ध्वनि जैसे हम
कभी पढ़ते लिखते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम उसी ध्वनि को एक्सेप्ट करते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का है। अदर ध्वनि जैसे एक्स्ट्रा एक्सट्रेनियस जो बैरियर होते हैं, जैसे कहीं कोई संगीत हो रहा है, कोई शोरगुल हो रहा है, तो ऐसी ध्वनियों में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमें इस ध्वनि को एक्सेप्ट करना है या अदर, तो वो प्रॉब्लम इनमें क्रिएट होती है। शोरगुल के मध्य सही शब्दों का ये चयन नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे जल्दी ही विचलित हो जाते हैं, मतलब अपने में अटेंशन उनमें क्रिएट नहीं हो पाता और इनको सामने वाले से आंख मिला के बात करने में भी समस्या होती है। वक्त के साथ बात करते हुए जब किसी एक दूसरे से बात हो रही है तो इनको बात करना कब है इन्हें नहीं पता, ये बीच में ही बोल देते हैं। किसी भी प्रकरण से संबंधित संप्रत्यय को समझने में इन्हें समस्या होती है। शब्दों को विभिन्न रूपों में, किसी शब्द को अलग अलग रूपों में समझने में उन्हें समस्या होती है। ध्वनियों के, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इन्हें ध्वनियों में आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम होती है, इन्हें ऑडिटरी प्रॉब्लम होती है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में ये विभेद नहीं कर पाते कि ये ध्वनि हमें एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, और इनमें शब्दकोश की कमी होती है। लेखन वाचन एवं वर्तनी की समस्या इनके साथ रहती है। जब ये बच्चे एक वर्ष की उम्र में होते हैं तो ये सरल निर्देशन जैसे आओ जाओ ऐसे भी निर्देशन को समझने में इनमें समस्या होती है। 2 साल की उम्र में ये अपने शरीर के अंगों को पहचानने में भी इन्हें समस्या उत्पन्न होती है, और 3 साल की उम्र में इन्हें द्विसोपान निर्देश, मतलब एक साथ अगर इन्हें 2 निर्देश दिया जैसे ऐसे यहाँ आओ खाना खाओ, तो इस प्रकार के निर्देश को भी समझने में इन्हें समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अगर किसी बच्चे में ऐसे लक्षण क्रिएट हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो एक्विसिटिस डिसऑर्डर से इफेक्टेड है। दूसरा हमारा जो था अभिव्यक्ति भाषा विकार या एक्सप्रेशन डिसऑर्डर, अपने को एक्सप्रेस करने में उनमें जो समस्या होती है, इसके भी कुछ लक्षण हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे इस डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसमें जो उनके पीयर ग्रुप्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इनके अंदर शब्दों का संख्या कम होती है, इनमें शब्द भंडारण की संख्या काफ़ी कम होती है। संक्षिप्त रूप में उत्तर देने में इन्हें समस्या होती है, मीन्स ये किसी भी प्रश्न को, किसी भी बात को हाँ या ना या सिर हिला के ही बस करेंगे, उसका ये संक्षिप्त उत्तर नहीं देना चाहते। प्रमुख शब्दों को छोड़ना एवं काल का गलत प्रयोग करते हैं। वार्तालाप करते समय निश्चित वाक्यांश पर बार बार प्रयोग करते हैं, मीन्स एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में इनमें असमर्थता होती है क्योंकि इनके पास शब्द भंडार नहीं है, तो ये अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर समय ये अपने को चुप रहते हैं क्योंकि ये अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो दूसरों के सामने इन्हें हेजिटेशन क्रिएट होता है, इसलिए ये काफ़ी शांत होते हैं और अपने को चुप रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ध्वनि तथा शब्दों का उच्चारण करना जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ध्वनियाँ ये उच्चारित करते हैं। लिखने एवं वर्तनी में इन्हें समस्या होती है। अल्पभाषी की समस्या से ग्रसित होते हैं, मीन्स शब्द नहीं होते तो इनमें भाषा का भी विकास नहीं होता, तो इनकी भाषा जो अल्प होती है। वाक्य निर्माण करने में भी समस्या होती है, सीधे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है, परंतु प्रश्न घुमा देने पर उत्तर को देने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाते हैं। मीन्स अगर कोई चीज़ सीधा पूछा जाए तो मे बी पॉसिबल उसके जवाब हाँ या ना में दे देंगे, लेकिन अगर उस प्रश्न को हम थोड़ा सा ट्विन कर देंगे तो उसको समझने में इन्हें समस्या होती है। व्याकरणीय रूप में गलत वाक्य का यह निर्माण करते हैं। विकासात्मक रूप से उपयुक्त एवं जटिल वाक्यों का निर्माण करने में ये असमर्थ होते हैं। किसी एक निश्चित शब्द का उच्चारण करने में समर्थ होते हैं, परंतु शब्दों को जोड़कर पूर्ण वाक्य बनाने में ये असमर्थ होते हैं। ये 2 साल की उम्र में 25 से ज़्यादा शब्द का ही उच्चारण कर पाते हैं। 3 साल की उम्र होती है उसमें इनके पास केवल 2000 शब्दों का ही भंडारण हो पाता है। 4 साल की उम्र में एक प्रकार के शब्दों का ये कई जगह प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आ जाए संज्ञानात्मक संप्रेषणात्मक विकार या कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर।
कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से ग्रसित वो बच्चे होते हैं जिनमें ऊपर के दोनों एक्विजिशन डिसऑर्डर और एक्सप्रेशन डिसऑर्डर दोनों डिसऑर्डर की डिसेबिलिटी कॉजिंग करती है। तो इससे होता क्या है, इनको रिमेम्बरिंग करने में, अवधान में, प्रतिच्छीकरण में, कंट्रोल करने में, समस्या की समाधान करने में और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे बच्चों में अधिग्रहण और अभिव्यक्ति भाषा दोनों प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो भाषा विकार है वो तीन प्रकार का होता है, एक्विजिशन डिसऑर्डर, एक्सप्रेशन डिसऑर्डर और कम्युनिकेशन कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो यहाँ पे हमने डिनोट किया, उसे आप लोग अगर किसी बच्चे में आइडेंटिफाई करें तो उनके भाषा विकार पे फोकस किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं वाणी विकार या स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है। स्पीच यानी साउंड, ध्वनि। तो ध्वनि उत्पादन में समस्या होना वाणी विकार कहलाता है। किसी भी, क्योंकि साउंड के कई प्रोसेस है, साउंड जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके कई आर्टिकुलेटरी प्रोसेस होते हैं, तो अगर किसी बच्चे में साउंड की ध्वनि निकालने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम उसे वाणी विकार के अंतर्गत लेते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उच्चारण संबंधी विकार या प्रोनाउंसिएशन डिसऑर्डर, दूसरा है ध्वनि प्रक्रियाकरण संबंधी विकार या साउंड रिलेटेड डिसऑर्डर, और तीसरा है धारा प्रवाह से संबंधित डिसऑर्डर या फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स। तो इस पे भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देखें कि उच्चारण संबंधी विकार या प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड किस प्रकार की समस्या बच्चों में ग्रसित होती है। तो ऐसे बच्चों में उच्चारण संबंधी समस्या मीन्स ध्वनियों का, शब्दांशों का या शब्दों का उच्चारण करने में उन्हें समस्या उत्पन्न होती है। उच्चारण संबंधी विकार के अंतर्गत इनके वाणी उत्पादन तंत्र में समस्या होने के कारण इस प्रकार की समस्याएं उसे ये ग्रसित हो जाते हैं। मुंह, चेहरा, श्वसन तंत्र और मांसपेशियां, क्योंकि वाणी उत्पादन करने में ये सारे आर्टिकुलेटरी अंग यूटिलाइज होते हैं, लेकिन अगर ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो इस प्रकार की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त समस्या होने कुछ समस्याएं वंशानुगत मीन्स हेरिडिटरी भी होता है। तो हेरिडिटरी यानी कि उनके कजन, उनके पेरेंट्स, किसी को भी अगर वो इस समस्या से ग्रसित है तो उसे भी ये समस्याएं हो सकती है, या श्रवण ह्रास, हियरिंग लॉस हुआ हो, अथवा स्नायु तंत्र में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम घटित हो रही हो या उसमें कोई समस्या ग्रसित हुई हो, तो इस प्रकार के उच्चारण संबंधी यानी प्रोनाउंसिएशन संबंधी डिसऑर्डर हो सकते हैं। दूसरा हम लोग आ जाते हैं साउंड रिलेटेड डिसऑर्डर। साउंड रिलेटेड डिसऑर्डर वो होता है जिसके अंतर्गत किसी भी बालक के द्वारा सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त उच्चारण करने में असमर्थता होती है, उसमें ध्वनि प्रक्रियाकरण समस्या का विकार कहते हैं। मुंह के द्वारा जो शब्द उच्चारित होने वाले होते हैं उसे ना, उस ध्वनि को नाक के द्वारा या नाक के द्वारा जिन शब्दों का उच्चारण करना होता है उसे मुंह के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख गुहा, नासिका द्वार के द्वारा उच्चारण करने में इन्हें समस्या होती है। तो ये कुछ साउंड जो नेजल साउंड है उसको वो ओरल साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो ओरल साउंड है उसे नेजल साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है धारा प्रवाह से संबंधित विकार या फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी इस प्रकार की समस्या में हकलाना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, मीन्स वाणी की धारा का प्रवाह या तो रुक रुक कर या तो बार बार उच्चारित होकर होता है और ध्वनि या शब्दांश को लंबा कर उच्चारण किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई बच्चा कहता बालक या ऐसे शब्दों को खींच के जब किया जाता है तो इस प्रकार की धारा प्रवाह की समस्या उससे ग्रसित हो जाते हैं। जब किसी बच्चे में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो वो तेजी से बोलने के कारण होता है अथवा घबराहट के कारण भी ऐसा होता है। सांस लेने में समस्या भी इसके कारण हो सकते हैं।
तो ये इसके कुछ रीजंस हैं कि कुछ हो सकता है कि कभी कभी बच्चे नर्वस हो जाते हैं, किसी बातों से घबरा गए तो भी उनके जो फ्लुएंसी है वो डगमगा जाती है, तो वो किसी शब्द को काफी जोर दे के बोलते हैं या किसी शब्द को बहुत स्लो बोलते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे में कंटिन्यूअस है, वो डिसेबिलिटी कॉजिंग है, तो वो बच्चा हमेशा वैसे ही शब्दों का उच्चारण करेगा। अब ऐसे बच्चों को अगर ये समस्याओं से ग्रसित हैं तो हमें उन्हें स्पीच थेरेपी देनी जरूरी है, क्योंकि स्पीच थेरेपी के माध्यम से ही हम किसी बच्चे के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब होते क्या है कि हर बच्चा उसकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, कोई माइल्ड लेवल पर डिसेबल्ड है, कोई मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, इसलिए हमें उसे इंडिविजुअल स्पीच थेरेपी देने की नीड्स होती है। अब स्पीच थेरेपी क्या होती है, इस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। स्पीच थेरेपी एक प्रकार की रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया है जो बच्चों या बड़ों में बोलने की या इससे संबंधित कोई परेशानी होने पर इसको करने के लिए की जाती है। इसकी मदद से किसी भी शिशु को जिनको खाना खाने में या निगलने में परेशानी होती है उसका भी उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा जिन बच्चों को सीखने में समस्या, परेशानी, शारीरिक विकलांगता, अटकना मीन्स किसी चीज़ को रुक रुक के बोलना, कुछ उच्चारण करने में परेशानी होना, सुनने में परेशानी होना, क्लैट फ्लैट होना यानी मुंह के ऊपरी ओट या जीभ में एक जन्मजात विभाजन होना। आप देखे होंगे कुछ बच्चों के ओट्स जो है वो फटे होते हैं या जीब्स कटे होते हैं, तो उन बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होते हैं। हकलाना, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सिया, आवाज से संबंधित परेशानी, गूंगापन इत्यादि को इस स्पीच थेरेपी के माध्यम से हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा अगर बच्चे में भाषा विकार की समस्या है तो हम उसे स्पीच थेरेपी के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाए कि जो बच्चा स्पीच या भाषा विकार की समस्या से ग्रसित है उसे हम इंडिविजुअल वाक् भाषा चिकित्सा क्यों दे या इससे क्या उद्देश्य है, कैसे हम उसे बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे, तालू या किसी अंग के खराब होने को उसे मजबूत बनाने के लिए, समन्वयन करने के लिए, व्यायाम, ध्वनि, दोहराव और सीमा के माध्यम से भाषण की मांसपेशियों में समन्वय करके उसमें सुधार किया जाना है। दर्पण मीन्स मिरर्स और टेप रिकॉर्डर जैसे दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के बीच में संचार में सुधार किया जाता है। श्वसन व्यायाम के माध्यम से भी धारा प्रवाह में सुधार किया जाता है। भाषा की उत्तेजना और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से, भाषा के उपयोग के माध्यम से भाषा में सुधार किया जा सकता है। प्रत्येक बच्चे का उसकी विशेष चुनौतियाँ और क्षमताओं के आधार पर एक अलग परिणाम होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हर बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के डिसेबिलिटीज एरिया अलग अलग होती है, तो उनका आकलन करके हम स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के माध्यम से उसकी भाषा को सुधार कर सकते हैं। एक बच्चे के संचार का वैकल्पिक तरीका सीखने में मदद करके संचार को सुधारा या कम्युनिकेशन को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी में समय की लंबाई, समस्या की गंभीरता जैसे कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे आवृत्ति और चिकित्सा की स्थिरता और घर पर उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है इसकी भी ध्यान दिया जाता है। स्वयं को व्यक्त करने में क्षमता सर्वोपरि भाषा चिकित्सा है, इससे आपके बच्चे के भाषा का उपयोग करने और अन्य लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके खुद को अभिव्यक्त करने के समझने की क्षमता को विकसित करने में मदद मिलती है। तो स्पीच थेरेपी के माध्यम से हम जो आर्टिकुलर पार्ट्स है जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो कमज़ोर है या उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसे हम इंडिविजुअली स्पीच थेरेपी के माध्यम से उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत भाषा एवं वाणी कार्यक्रम है उसमें जो
स्पीच पैथोलॉजिस्ट है या लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, वो किस प्रकार से बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत वाणी के उच्चारण, भाषा का स्तर, संप्रेषण, आवाज संबंधी समस्या, खाने पीने और निगलने से संबंधित समस्याओं का भी असेसमेंट किया जाता है। विभिन्न मॉनिटरिंग उपकरणों के उपयोग कर बच्चे की समस्याओं का पहचान किया जाता है। भाषा एवं वाणी के विकास में मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे की क्षमताओं और सीमाओं का आकलन किया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और उनके लिए परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के द्वारा जिन परीक्षण सामग्री को सामान्यतः आकलन में अभी लेटेस्ट यूटिलाइज हो रहा है, वो उनके कुछ नाम है, जैसे टेस्ट ऑफ सिंटैक्टिस एबिलिटी, रोड आइसलैंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ इलस्ट्रेटेड लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ ऑडिटरी कम्प्रिहेंसन। इसके अतिरिक्त जो भारत में विकसित है वो है लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेक्स्ट पिक्चर, इसके माध्यम से हम उन बच्चों के भाषा और वाणी का आकलन करते हैं। अब हम भाषा और वाणी का आकलन तो कर लिए, अब उनका आर्टिकुलेशन टेस्ट किया जाता है। आर्टिकुलेशन टेस्ट का मीन्स होता है इन उपकरणों से प्राप्त अंक के आधार पर कमजोर क्षेत्रों की, जिस जगह बच्चे की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मीन्स उसके आर्टिकुलेटरी पार्ट में या उसके स्पीच में जहाँ पे कमजोरी प्राप्त हो रही है, वहाँ मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज परीक्षण के द्वारा क्रियात्मक आकलन संभव नहीं होता तथा प्रत्येक बच्चों का मानकीकृत परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति में अनौपचारिक विधि द्वारा आकलन किया जाता है। इस विधि द्वारा सभी क्षेत्रों में आकलन करने के बाद प्राप्त आंकड़ों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे अतिरिक्त आकलन भी किया जाता है। भाषा के विभिन्न क्षेत्र जैसे व्याकरण, कार्य विज्ञान, शब्द विज्ञान एवं व्यवहार विज्ञान जैसे कौशलों का भी आकलन करना आवश्यक होता है। संप्रेषण कौशल को भी स्टैंडर्डाइज आकलन के द्वारा किया जा सकता है। जो हम लोग टेक्निक यूटिलाइज करते हैं असेसमेंट के लिए, वो यहाँ पे उनके कुछ नाम है, जैसे चेकलिस्ट के माध्यम से, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से, खेल आधारित असेसमेंट और स्पीच लैंग्वेज सैंपल के माध्यम से हम उनका असेसमेंट इन बच्चों का किया जा सकता है, जिसके द्वारा लैंग्वेज जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो विभिन्न समस्या जैसे उच्चारण संबंधी, आवाज से संबंधित, संज्ञान संबंधी या संप्रेषण संबंधी, कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी बीमारी, चोट, विकासात्मक देरी अथवा शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, और बाद में भाषा वाणी चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य ऐसे आवश्यक सहायता देना जो उसके क्रियात्मक स्तर को बढ़ा सके। तो जो हमारे स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो विभिन्न प्रकार के टेस्ट का यूज करके तथा असेसमेंट करके इन बच्चों के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके रिमूव करने के लिए वो विभिन्न तकनीकियों का यूज करते हैं। इसके लिए जो उनको किन लक्ष्य का निर्धारण करना होता है, तो किसी भी बच्चे के संप्रेषण संबंधी यदि कमियाँ हैं तब उसका अर्ली इंटरवेंशन किया जाना मस्ट होता है, और इस अर्ली इंटरवेंशन में जिनका रोल होता है वो होते हैं उनकी फैमिली यानी परिवार, शिशु रोग विशेषज्ञ, आवश्यकता अनुसार अन्य विशेषज्ञों को मिलकर इन समस्याओं को समाधान करने में सहायता लिया जा सकता है। जैसे शुरुआती स्तर पे हम लोग IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्रोग्राम का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें इंटरवेंशन की विभिन्न विधियां जैसे उपागम, स्थान एवं परिणाम में समावेशन किया जा सकता है। अर्ली इंटरवेंशन के अंतर्गत दी जाने वाली इस व्यवस्था के अंतर्गत वाक एवं वाणी चिकित्सा श्रवण दिव्यांग के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये इसके लिए हम लोग गोल क्रिएट करते हैं। ये गोल तीन प्रकार से कर सकते हैं, अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म गोल, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म गोल। इस प्रकार से हम गोल क्रिएट करके इन बच्चों के भाषा विकास में सहायता कर सकते हैं। जो इन बच्चों के स्पीच या वाणी को डेवलप करने में जिनकी सहायता हो
की आवश्यकता होती है, सपोर्ट्स की नीड होती है, वो होते हैं उनके पेरेंट्स, उनके भाषा वाणी विशेषज्ञ और शिक्षक। इन लोगों का अगर उन्हें सपोर्ट मिले और उनकी व्यवस्थित व्यवस्था की जाए और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के माध्यम से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए, तो इन बच्चों का भाषा विकास हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने में प्रमुख सहायता कर सकते हैं। तो ये जो हमारा था भाषा विकार या वाणी विकार क्या होता है और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट और कौन कौन से सपोर्टिव्स हैं जो इन बच्चों के भाषा विकास में डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनकी वाणी और भाषा विकास में जिनका सहयोग मुख्य रूप से होता है वो है अभिभावक, भाषा वाणी विशेषज्ञ और विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर। इन लोगों को आपस में गोल क्रिएट करके, एक इनका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्रिएट करके इनके लिए उस स्ट्रक्चर को प्लान करना होगा और उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या वाणी विकास की थेरेपी में उन्हें सहयोग देना होगा। इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, तो बच्चों तथा परिवार के सहयोग से वाक और भाषा चिकित्सा कार्यक्रम को प्राकृतिक तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के द्वारा अधिगम अवसरों का स्रोत का चिन्हांकन करना, सहभागिता का चयन करना, प्रत्येक तत्वों को ही पहचान कर ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी स्ट्रेटजी को मुहैया कराना जिससे अधिगम के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी पहलुओं का संगठित कर कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सकता है। छोटे समूह या बड़े समूह में बच्चों का चिकित्सा कार्यक्रम संचालन किया जा सकता है। जिन रणनीतियों का क्रियान्वयन किया जा सकता है वह है हमारा उत्तरदायित्व अंतःक्रिया उपागम, दूसरा है निर्देशात्मक अंतःक्रिया उपागम और तीसरा हमारा जो है वो मिश्रित उपागम। तो हम लोग पहला डिस्कशन करें कि उत्तरदायित्व अंतःक्रिया उपागम क्या होता है। उत्तरदायित्व अंतःक्रिया उपागम में बच्चों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। बच्चों के द्वारा शाब्दिक एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। यह रणनीति अवलोकन ऑब्जर्वेशन अधिगम पर आधारित होती है। विस्तारीकरण, आत्मवार्तालाप, समानांतर वार्तालाप जैसे विशेष तकनीकियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो हमारा है निर्देशात्मक अंतःक्रिया रणनीति, इसके अंतर्गत निर्देशात्मक अंतःक्रिया रणनीति के अंतर्गत हम शिक्षण रणनीतियों को शामिल करते हैं जो व्यवहार के सिद्धांतों पर तार्किक पूर्वक एवं परिणामों के आधार पर होता है। प्राकृतिक वातावरण में यह रणनीति तैयार की जाती है। इसमें उत्साह, पुनर्बलन, समय विलंब, सेपिंग और फेडिंग जैसी रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। जो मिश्रित उपागम होते हैं, मिश्रित उपागम की आवश्यकता अनुसार दोनों उपागम जो हमारा है उसका प्रयोग किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों में भाषा एवं वाणी में इंटरवेंशन के लिए कई विधियां और कई अप्रोचेस को यूज किया जाता है। कुछ इंटरवेंशन बच्चों को केंद्र बिंदु में रखकर किया जाता है जिसे हम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या डायरेक्ट इंटरवेंशन कहते हैं और कुछ जो हस्तक्षेप है वो उनके अभिभावक एवं बच्चों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के कौशल के विकास हेतु किया जाता है जिसे हम अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन कहते हैं। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या होता है, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अंतर्गत हम जो इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं उसमें श्रवण बाधित बच्चों के भाषा एवं वाणी से संबंधित जो परेशानियाँ होती हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वो परेशानियाँ क्या क्या हैं, जैसे आसपास की ध्वनियों को सुनना और समझने में सहायता देना, वाणी ध्वनियों का उच्चारण करने में सहयोग करना, नए नए शब्दों को उन्हें सिखाना, शब्दों को जोड़कर वाक्यों को बनाना, व्याकरण का सही रूप से प्रयोग करना, दूसरों की वाणी को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, शोरगुल एवं शांत वातावरण में निर्देशों का अनुकरण करना, एकाग्रचित होना और लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, वार्तालाप को विकसित करना। तो जो हम अभी तक हम लोग जो भी चीज़ें देखे कि भाषा और वाणी
कि स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे मस्ट है वो अर्ली इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अर्ली उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बच्चे में ये डिसेबिलिटीज़ है और इतनी डिग्री से है, तो हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक यूटिलाइज करके उनके वाणी और भाषा को सुधार कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में 6 वर्ष से पूर्व बच्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से संचालन करना आवश्यक होता है, तभी हम इन बच्चों को व्यवसायिक या उनके एजुकेशनल लेवल को डेवलप कर सकते हैं और इन्हें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षाओं में एजुकेट कर सकते हैं। तो इन बच्चों के मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, सामान्य कक्षा में जोड़ने के लिए सबसे मस्ट है कि इनके जो परिवार है, इनके जो अभिभावक है, इनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो इनके भाषा विकास में सहायता करें। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर और इनके कम्युनिटी के लोग अगर इन बच्चों के इंडिविजुअल भाषा विकास में सहायता करें तो इनके भाषा विकास को हम ज़्यादा ही बेहतर कर सकते हैं और ये अपने पीयर्स ग्रुप या मैन स्ट्रीम इंक्लूजन में अपने को बेहतर कर सकते हैं और ये अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कर सकते हैं। तो इस जो यूनिट्स है इसमें हम लोगों ने देखा कि वाणी विकार क्या है, भाषा विकार क्या है, स्पीच थेरेपी क्या है और जो हमारे स्पीच पैथोलॉजिस्ट है वो किस प्रकार से इनकी सहायता कर सकते हैं, कैसी रणनीतियाँ डेवलप कर सकते हैं जिससे श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकार, वाणी विकार को दूर किया जा सके। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो वाणी चिकित्सा क्या होती है, कैसे इन बच्चों को चिकित्सा मेडिसिन प्रोवाइड करके इनके वाणी को हम डेवलप कर सकते हैं या इनको चिकित्सा प्रोवाइड किया जा सकता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।